मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद अब युवा विधायक जितेंद्र पटवारी, जिन्हें जीतू पटवारी के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन हो चुकी है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की राऊ विधानसभा के विधायक हैं। उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी। यही कारण है कि हाल ही में भाजपा ने राऊ सीट को टफ सीट यानी कठिन सीट के रूप में चिन्हित किया है। राऊ सीट पर बीजेपी द्वारा किसी बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी चल रही है। वहीं जीतू पटवारी लगातार जनता के मुद्दे उठाकर प्रदेश भाजपा की सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे कांग्रेस के पक्ष में जनता को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में हुए पटवारी भर्ती घोटाले में प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा में शिवराज सिंह की सभी सीटों पर हुई जन यात्रा को टक्कर देने जीतू पटवारी ने जन जागरण यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जाकर सभाएं की थी और शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं की पोल खोली थी। दतिया के पंडोकर सरकार भी जीतू पटवारी की जीत की घोषणा कर चुके हैं। जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 101% होंगे, विजयी होंगे।